बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसको स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोग को पहले समझा देता हूँ, फिर हम जो क्या करेंगे, एक मरतबा ये सारा जितनी भी चीज़ें लिखी हुई ना उसको डिस्कस कर लेंगे, सही है? लेकिन पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ, क्योंकि समझाना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग। रीडिंग तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन मैं रीडिंग भी करवा दूँगा, टेंशन नहीं ले आप लोग। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग को समझा दूँ हमारे पास होता क्या है बेसिकली। अच्छा देखें, हमारे पास एक सिस्टम है जो कि हम ख़त्म कर चुके हैं, आज ही हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? हमारे पास एक सिस्टम है, इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आप यूँ बोल लें। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक हार्ट है। हाँ, छोटा सा बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, सही है? और इससे फिर क्या जा रहा है, यहाँ से आप यहाँ पर मैं एक टिश्यू बना रहा हूँ, सही है? मेरे पास एक टिश्यू है यहाँ पर, इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पड़े हुए हैं। और ये क्या करता है, वहाँ तक आपके पास आर्टरी के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचा देगा, सही है? हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम, ये चीज़ तो आप लोगों को पता है, सही है? कि ये तो खैर मैंने बुलेट वाला बना दिया, यहाँ से बनाना था, लेकिन चलो ये समझ लो कि ये आर्टरी जो एवोटा है हमारे पास, सिस्टमेटिक एवोटा, वो डिवाइड हुआ है और उसने ए आर्टरी के ज़रिए ब्लड टिश्यू तक, हमारे एक टिश्यू तक ब्लड पहुँचा दिया, सही है? अब हमारे पास टिश्यू के अंदर क्या होता है, ये रहा, ये हमारे पास एक टिश्यू है और इसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे पास आर्टरी आ रही है, जो अभी मैंने बताया ना आर्टरी आ रही है। ये आर्टरी आगे आकर कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो रही है। कैपिलरीज़ को जो ना मैं एक अलग कलर से बना देता हूँ, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये आर्टरी मैंने रेड कलर से बनाई, ये आपके पास आर्टरी आ रही है, सही है? आर्टरी, और आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर हमारे पास ये आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो रही है, जितनी भी चीज़ मैं ग्रीन से बना रहा हूँ ना, ग्रीन से, ये बेसिकली आपके पास कैपिलरीज है, छोटी छोटी कैपिलरीज है, सही है? माइक्रोस्कोपिक होती है, आज ही हम पढ़ चुके हैं इसको, सही है? तो ये सारी कैपिलरीज आपके पास नज़र आ रही है, ये कैपिलरीज है, ये आपके पास पूरी की पूरी कैपिलरीज है। और आज ही हमने पढ़ा है ये परमेबल होती है, सही है? ये यहाँ पर कैपिलरी आई, अच्छा फिर ये आगे क्या है, ये जितनी भी ग्रीन चीज़ ग्रीन बनाई ना मैंने, ये पूरी की पूरी कैपिलरी है आपके पास, सही है? कैपिलरीज है, सॉरी। फिर आपके पास ये जो जा रहा है, ये आपके पास वेन है, क्या है, वेन। अब होता है क्या है, देखें आर्टरी के अंदर हमने कहा कि ब्लड आता है, कौन सा ब्लड आता है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और आप लोग देख सकते हो ये जो बने हुए ना, ये सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, इस तरह ये सारे सेल है, सही है? मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपके पास सेल है। अब इस सेल के दरमियान भी आप लोगों को कुछ और फ्लूड भी नज़र आ रहा है बीच में, सही है ना? अगर आप लोग गौर से देखो तो यू विल सी के देयर इज़ सम मोर फ्लूड इन बिटवीन दीज सेल्स, जो कि मैं यहाँ से बजे बना रहा हूँ, ये वाला है, ये पूरा का पूरा, सही है? अच्छा यहाँ ये वाला आपके पास फ्लूड है, ये फ्लूड है, ये फ्लूड है, ये फ्लूड है, ये सही है? इस फ्लूड का नाम है इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर फ्लूड होता है, जिसका नाम होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूड। अब होता क्या है, देखें यहाँ से मटेरियल आता है, एक मिनट, अच्छा यहाँ से मटेरियल आता है आपके पास, ब्लड आता है, ब्लड के अंदर मटेरियल होता है, आपको पता है कैपिलरीज के अंदर गया। कैपिलरीज आपके पास क्या होती है, कैपिलरी जो आपके पास होती है वो परमिएबल होती है, क्या होती है, परमिएबल। यहाँ पर जितना भी सब्सटेंस होता है इस कैपिलरीज के अंदर, जाहिर सी बात है कैपिलरीज किससे बनी है भाई, आर्टरीज से बनी है। आर्टरीज के अंदर क्या आ रहा है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ये यहाँ पर आ रहा है, ये कैपिलरीज के अंदर आ गया, परमिएबल तो होती है। परमिएबल का मतलब क्या है कि इससे सब्सटेंस डिफ्यूज आउट हो जाता है, सही है ना? हमने लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आज ही फंक्शन में हमने पढ़ा था, तो वही सारी चीज़ें। यहाँ पर ऑक्सीजन है या ब्लड है, हम ब्लड की ब्लड ले लेते हैं, हम कहते हैं ब्लड, ब्लड के अंदर आपको पता है प्रोटीन होता है, ऑक्सीजन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सही है ना? वो डिपेंड करते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जितने भी आपके न्यूट्रिशन होते हैं ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर से
वो मटेरियल यहाँ से डिफ्यूज आउट हो जाएगा और वो मटेरियल आ जाएगा इस इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर, सही है। इससे ब्लड निकल के कहाँ चला जाएगा भाई, इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर, जहाँ पर इंट्रासेल्युलर फ्लूड मौजूद है, ये आपके पास सेल के अराउंड नजर आ रहा है, सही है। और वहां से वो चीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए या फिर डिफ्यूजन के जरिए, दो चीजों के जरिए वो कहाँ चला जाएगा, इस सेल के अंदर चला जाएगा। ये एक सेल था हमारे पास, इस सेल के अंदर मटेरियल चला गया, इस सेल के अंदर मटेरियल चला गया भाई, कैपिलरीज ने अपना काम कर लिया। अब यहाँ पर इस कोने में जहाँ पर कैपिलरीज वापस आपस में मिल रही है ताकि वो वेन बना सके, इस जगह पर ये जितने भी सेल्स है ना, जब ये ऑक्सीजन को देते हैं और सेल्स नहीं सॉरी, जितने भी कैपिलरीज है जब ये ऑक्सीजन को देती यहाँ से देती है, साथ में आपके पास मटेरियल्स को देता है, जितना भी न्यूट्रिशन है वो उसको दे रहा होता है या ऑक्सीजन को दे रहा होता है, जितनी भी चीज़ें होती है रिक्वायरमेंट होती है सेल को, जब उस चीज़ को डिफ्यूज आउट कर रही होती है, उसी वक्त वो क्या करती है, इस इंट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर उस सेल ने अपना वेस्ट मटेरियल छोड़ा होता है। उस वेस्ट मटेरियल में क्या आता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, आपके पास जितने भी वोन आउट सेल्स हो सकता है, कुछ खराब सेल्स हो वो वहाँ पर मौजूद हो, तो वो सारी चीज़ें दोबारा कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है, सही है। और वो कैपिलरीज फिर वेन बनकर वेन के अंदर चली जाती है और वेन से वो दोबारा कहाँ जाती है भाई, हार्ट के अंदर जाती है। ये हमारे पास हार्ट, और हार्ट से फिर वो आपके पास लंग्स, लंग्स से दोबारा हार्ट, हार्ट से दोबारा फिर आर्टरी, ये पूरा सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ जो इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर आपके पास कुछ मटेरियल सॉरी सेल के अंदर से कुछ मटेरियल जब निकलता है ना, तो वो पूरा का पूरा मटेरियल कैपिलरीज के अंदर नहीं जाता। कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि वो कैपिलरीज के अंदर नहीं जा सकता, या तो वो बहुत बड़ा होता है मटेरियल, या फिर वो परमेबल नहीं होता, मतलब कैपिलरीज उसके लिए परमेबल नहीं होती कि उस चीज़ को दोबारा अपने पास ले जा सकें, तो वो मटेरियल क्या हो जाता है, यहाँ पर रह जाता है। और हमारे पास ब्लड भी होता है, 85% ब्लड को क्या किया जाता है भाई, 85% ब्लड को यहाँ से रिटर्न किया जाता है, मतलब 85% ब्लड यहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन 15% ब्लड जो हमारे पास होता है वो रिटर्न नहीं हो पाता, वो यहीं पर रह जाता है इन सेल्स के अराउंड, जो ना वो जगह जगह पर रह जाता है, वो यहाँ से निकल नहीं पाता। अब इस 15% आप अंदाजा लगाओ, हमारे हर मरतबा ब्लड आ रहा है 100%, सही है। एक मतलब समझ लो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 5 लीटर ब्लड आ रहा है, 5 लीटर, सही है। 5 लीटर में से 15% आप निकाल लो, कितना बनता है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये बन रहा है 150 मिलीलीटर, सही है। 150 मिलीलीटर एक मरतबा ब्लड जब आ रहा है, तो 150 मिलीलीटर का ब्लड वहां पर छोड़ रहा है, फिर दोबारा ब्लड आएगा, फिर 150 छोड़ेगा, फिर दोबारा ब्लड आएगा, फिर 150 छोड़ेगा। अब आप अंदाजा लगाए, हर मरतबा 150 मिलीलीटर ब्लड जब यहाँ पर छूट रहा है, जब इस सेल के अराउंड छूट रहा है, तो एक मरतबा ऐसा आ जाएगा कि पूरी बॉडी का ब्लड ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो टिश्यू के अंदर रह जाएगा। तो इस सिस्टम को खत्म करने के लिए, इस फ्लूड को, ताकि ये फ्लूड यहाँ पर नहीं रहे, इसके अल्लाह ताला ने एक और निज़ाम पैदा किया जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या नाम है उसका, लिम्फेटिक सिस्टम। इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अलग हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फेटिक नोड्स होती है, स्प्लीन होता है, थाइमस होता है, टॉन्सिल्स होती है, टिश्यूज होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, अपेंडिक्स भी आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आता है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन हमने इस तरफ यहाँ जो बात करनी है वो है, अभी यहाँ पर सुन लो, ये लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फ वेसल है। ये लिम्फ वेसल क्या कर रही है, देखिए लिम्फ वेसल आपको नजर आ रही है यहाँ पर अलग अलग सेल के अंदर, हर जगह पर जहाँ ये इंट्रासेल्युलर फ्लूड पड़ा हुआ है वहां पर ये गया हुआ है, सही है। अब इसका काम क्या होता है, जो 15% ब्लड यहाँ पर रह गया, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, उसके अंदर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, उसके अंदर वायरस भी हो सकते हैं, उसके अंदर हार्मोन्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर एंजाइम भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है 15% के अंदर। उस 15% को वहां से पिकअप करेगा, मतलब यहाँ से दोबारा उठा लेगा, और दोबारा लिम्फ फेसल क्या करेगा उसको, ये लिम्फ कैपिलरीज है, छोटी छोटी नजर आ रही है ना, ये लिम्फ कैपिलरीज होती है, वो आगे जाके लिम्फ फेसल बनाती है, और वो लिम्फ फेसल दोबारा जाकर हमारे नेक के अंदर एक पोर्शन होता है, उस नाम में जगह जगह बताऊंगा, नाम भी बता दूंगा, उसके अंदर उस सारे मटेरियल को जितना 15% ब्लड होता है उसको दोबारा लेके जाकर हमारे ब्लड के अंदर दोबारा छोड़ देता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जहां जहां पर आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, जहाँ जहाँ आपके पास कैपिलरी बेड है, जहाँ जहाँ आपके पास कैपिलरीज होती है, टिश्यूज के अंदर गई होती है, वहीं वहीं आपको पास लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होती है हर जगह पर, जो कि वो 15% जो ब्लड वहाँ पर रहता है उसको वापस उठाकर लेकर आती है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई या नहीं, जल्दी से मुझे बता रहे, ये मैंने इंट्रोडक्शन जो दिया है, ये चीज़ आपको समझ में आया या नहीं कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ रही है इसकी, जल्दी। अगर नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ दोबारा, नो प्रॉब्लम। आज से को समझ में आ गया, बाकी सारे स्टूडेंट
मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है एक मरतबा रिपीट कर दें। अरीबा कह रही है, चले देखें, अब मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा कि हमारे पास एक निज़ाम है जो इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड एक टिश्यू के अंदर जाता है, सही है? अरीब आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करना। हमारे पास एक निज़ाम है जो कि ब्लड को लेके जा रही है एक टिश्यू के अंदर, उस टिश्यू के अंदर 100% ब्लड जाता है, सही है? लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तो पूरा का पूरा ब्लड वापस नहीं आ पाता, 15% ब्लड क्या होता है वो वहाँ पर रह जाता है। अब अगर हर मरतबा ये 15-15% ब्लड रह गया होगा, रह जाता होगा, तो आप समझ लें कि कितना सारा ब्लड हमारे पास वेस्ट हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इस निज़ाम से हम मतलब हमारे पास एक ऐसा निज़ाम पैदा किया अल्लाह ताला ने, जो कि जो 15% ब्लड जो वहाँ पर रहता है उसको दोबारा उठाकर हमारे ब्लड के अंदर छोड़ता है। इसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अरे बात समझ आया? सीरत अस्का क्लियर है? चले, अस्का ने रिप्लाई नहीं दिया। अस्का आपका, आपको समझ आया बेटा? हाँ क्लियर, चलो ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं, अब आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ वो सही है। यहाँ पर देखें, अ सिस्टम ऑफ ब्लाइंड वेसल्स लिम्फेटिक्स। अब ये ब्लाइंड वेसल्स क्या होती है मैं आपको समझा दूंगा, सही है ना? देखें, हमारे पास ब्लाइंड का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास कैपिलरीज होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है। वो ऐसा नहीं होता कि वो यहाँ पर आके खुल गई हो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, बल्कि वो ऐसी होती है कि वो खुलती नहीं है, वो यहीं पर वापस चली जाती है, खुलती नहीं है कहीं पर, सही है ना? इसके अंदर छोटे छोटे जगह पर स्पेसेस होती है, जगह जगह पर मौजूद होती हैं, उसको हम ब्लाइंड कहते हैं, मतलब जो खुल नहीं रही। अगर खुलती है तो ब्लड यहाँ से डायरेक्ट जा सकता था, आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो छोटी छोटी जगह पर जगह जगह खाली होती है ना, इसके अंदर ब्लड आता है जगह जगह पर, ऐसा होता है। बाकी ये ब्लाइंड होती है, वापस दोबारा आ जाती है, सही है? तो ये ऐसा नहीं होता एक जगह पर खुल जाती है, इसको हम कहते हैं ब्लाइंड। तो एक सिस्टम जिसमें ब्लाइंड वेसल क्या करती है, ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी बैक इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ को उठाकर लेकर आती है पूरी बॉडी से दोबारा हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फ क्या है हमारे पास, ये जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है ना, और यहाँ पर जो ब्लड जमा होता है, ये हमारे पास लिम्फ होता है। मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। डेफिनेशन जो लिम्फ की लिखी हुई है ना, वो 363 पर लिखी हुई है, पेज नंबर 363 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखें ये लिखा हुआ है लिम्फ, ये रहा, कैन बी डिफाइंड एज कलरलेस बॉडी फ्लूइड। एक तो कलरलेस बॉडी फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, ए ग्रेनुलर WBCs। आपको पता है लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे पास WBCs है। प्रोटीन होती है, फैट्स होता है हमारे पास कुछ, सही है? तो ये हमारे पास क्या है, लिम्फ के डेफिनेशन है, सही है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस लिम्फ के अंदर होता क्या है, इस लिम्फ के अंदर ये लिम्फ क्या करता है, फ्लूइड सब्सटेंसेस को जो कि सेल और टिश्यूज के अराउंड होता है, इसके अलावा इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर जितना फ्लूइड मौजूद होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज में नहीं आ पाता, हमने कहा था ना वो रह जाता है परमिएबिलिटी की वजह से, किसी की वजह से, उसको दोबारा लेकर आता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालता है, सही है? ये लिम्फ है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ चीज हो गई। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, एक तो हमने बात कर दी लिम्फेटिक्स मौजूद है हमारे पास, लिम्फ मौजूद है, इसके अलावा हमारे पास लिम्फ है ये भी बात कर ली, इसके अलावा हमारे पास लिम्फ नोड मौजूद है। लिम्फ नोड में आपको समझाता हूँ, स्प्लीन है, थायमस है, टॉन्सिल्स है, कुछ पैचेज होती है टिश्यूज के जो कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स और स्मॉल इंटेस्टाइन है, सही है? ये लिम्फेटिक सिस्टम, यहाँ पर एक थोड़ी बहुत चीज़ें आपने याद रखी, क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, ये हमारे पास लिम्फ वेसल्स, लिम्फ एंड लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड। अच्छा, द लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम स्टार्ट्स एट कैपिलरी बेड। जैसे हमारे पास एक अभी हमने बात की ना, ये हमारे पास आर्टरी, ये वेन और ये कैपिलरीज, सही है? ये इस तरह का निज़ाम होता है ना, लेकिन हमारे पास जो लिम्फ होते हैं ना, उसका निज़ाम कुछ इस तरह से होता है, बल्कि मैं डायग्राम बनी हुई भी होगी शायद। अच्छा, ये इस तरह डायग्राम होता है, छोड़ो,
हमारे पास जो इसका सिस्टम होता है ना, वो ये होता है कि ये जो लिम्फ होती है वो पर्टिकुलर टिश्यूज, टिश्यू के यहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज बनी होती है, या यूँ समझ लो ये कैपिलरीज है ना, इसके बीच में यहाँ पर सेल्स मौजूद है, क्योंकि कैपिलरीज कहाँ होती है, जहाँ पर टिश्यू होता है, तो यहीं से हमारे पास ये शुरू होते हैं, यहाँ से कैपिलरीज हमारी गई होती है किसके, लिम्फ के, और ये कैपिलरीज एक साथ जमा होकर एक लिम्फ वेसल बनाती है, ये लिम्फ वेसल आगे जाती है फिर, सही है। तो जो लिम्फ का वेस्कुलर सिस्टम है ये हमारे पास शुरू होता है इस यहाँ से, जहाँ पर ये लिम्फ की कैपिलरीज मौजूद होती है, तो स्टार्ट होती है कैपिलरी बेड से, जहाँ टिश्यू फ्लूइड यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि सेल को सराउंड किया होता है वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जाता है, सही है, जो कि क्लोज होती है टिश्यू साइनेसिस की तरफ। अभी मैंने बताया ना ये क्लोज होती है इस तरह से, मतलब जगह जगह पर इसके अंदर ओपनिंग होती है, बाकी ये क्लोज होती है। दीज आर 10 वॉल्ड, ये तीन होती, इनकी वॉल तीन होती है, एनास्टोमिसिंग माइक्रोस्कोपिक वेसल्स, माइक्रोस्कोपिक होती है, नज़र नहीं आती, विच फॉर्म अ नेटवर्क इन एवरी ऑर्गेन एक्सेप्ट द नर्वस सिस्टम, जो कि हर ऑर्गेन में इसी तरह का सिस्टम बनाती है जो कि मैंने यहाँ बनाया, सिर्फ एक जगह पर नहीं होती जो कि नर्वस सिस्टम। तो अगर MCQs आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो लिम्फ है वो कहाँ पर नहीं है, सही है, बाकी सारी जगह पर होता है ये हमारे पास। द लिम्फ कैपिलरीज मर्ज इन टू लिम्फ वेसल, लिम्फ कैपिलरीज आगे जाके हमारे पास बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज आगे जाके क्या बनाएगी, लिम्फ वेसल बनाएगी, विच हैव अ लार्जर डायमीटर, जिसका ज़ाहिर सी बात है डायमीटर बड़ा होता है। दीज वेसल्स कंटेन स्मूथ मसल्स, इसके अंदर स्मूथ मसल मौजूद होते हैं इनके वॉल के अंदर, और इंटरनल वेल्व्स टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ लिम्फ। मैंने आपको वेल्व का आज ही फंक्शन बताया था कि वेल्व का काम क्या होता है, जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, ज़रूरत नहीं होती है हमें बेटा नर्वस सिस्टम के, हमें वहाँ पर हमारे पास ज़रूरत नहीं होती, नर्वस सिस्टम में न्यूरो ट्रांसमीटर्स वगैरह होते हैं, वहाँ ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की हमारे पास, सही है। और ये हम मैंने बताया ना टिश्यू के वहाँ पर होते हैं, जहाँ पर सेल होते हैं और यहाँ पर टिश्यू बना रहा होता है वहाँ पर होते हैं। द लिम्फ सर्कुलेट थ्रू द लिम्फ वेसल्स बाय द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सराउंडिंग स्केलेटल मसल्स इन वन डायरेक्शन टुवर्ड द हार्ट। अच्छा, हमारे पास जो लिम्फ होते हैं ना, जब ये कैपिलरी से निकलता है फिर ये एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जाता है ताकि ये हार्ट तक पहुँच सके, कहाँ तक पहुँच सके, हार्ट तक। और ये हार्ट तक नहीं पहुँचता, हार्ट से पहले हमारे पास एक आर्टरी होती है, आपने को सुना होगा ना सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, वहीं पर आकर इसके अंदर इंटर होती है, वो जगह का मैं नाम बताऊंगा अभी लिखा हुआ है, सही है ना, तो टेंशन मत लें। बाकी इसके अंदर सराउंडिंग में जो है ना स्केलेटल, यहाँ पर सराउंडिंग में स्केलेटल मसल्स होते हैं जो कि इसकी वन डायरेक्शन को क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं, सही है। और बीच बीच में आपके पास वेल्व भी मौजूद होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं ताकि जो है ना जो वेसल है वो पीछे ना चला जाए। ये जो वेसल्स होती है वो कन्वर्ज होती है इनटू कलेक्टिंग डक, एक कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है जो कि ब्लड को लेके जाती है लोअर, जो कि ब्लड को ड्रेन करती है लोअर नेक की तरफ, और जो कलेक्टिंग डक्ट है ना उसका मैं नाम बताता हूँ, यहाँ पर देखें ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है यहाँ पर, सही है। तो देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है, जितनी भी ये आपके पास लकीरें नज़र आ रही है, लकीरें जितनी भी है, ये आपके पास क्या है, लिम्फ वेसल, सही है, ये लिखा हुआ है लिम्फेटिक वेसल्स। और जहाँ पर एक आप यहाँ पर समझ लो यहाँ पर एक टिश्यूज है यहाँ पर, या यहाँ पर तो वहाँ लिम्फ कैपिलरीज होगी जो कि यहाँ नज़र नहीं आ रही हमें, सही है, यहाँ पर है, ये देखें इस जगह को इन्होंने बड़ा करके दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये देखें ये ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरी आ रही है इस तरह, सही है, ये ब्लड कैपिलरी है, ये जो आपको रेड से बनाया मैंने, और इसके अंदर ये जो ग्रीन से बना रहा हूँ ये लिम्फेटिक कैपिलरी है, सही है, ये लिम्फेटिक, देखो ये लिम्फेटिक कैपिलरी नज़र आ रही है आपको, ये देखिए ये ब्लाइंड है, ये यहाँ से बंद है, खुली भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग है, फिर इसी तरह यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग आपके पास नज़र आएगी, ये रही, सही है, फिर यहाँ एक छोटी सी ओपनिंग है इस तरह, और ये आगे जाकर क्या बना रही है यहाँ पर, ये लिम्फेटिक वेसल बना रही है आपस में, सही है। और आप गौर से देखो ना, गौर से तो यहाँ पर आपको एक वो नज़र आ रही है, वेल्फ नज़र आ रहा है पीछे, ये देखो ये वेल्फ नज़र आ रहा है यहाँ पर, और जितना आगे जाओगे तो वहाँ जगह जगह पर आपको वेल्व्स नज़र आ जाएंगे जो कि इसके बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, सही है। ये बीच में आपको टिश्यू सेल्स नज़र आ रहे हैं और इसके दरमियान आपको इंटरस्टिशियल फ्लूड नज़र आ रहे हैं, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आपको नज़र आ रही है, सही है। तो ये तो यहाँ से जो आपके पास जगह जगह से ये पूरी कैपिलरीज क्या करती है, ब्लड को लेकर लेती है, जो ब्लड वहाँ पर रह गया उसको उठाती है, और फिर ये जगह जगह पर चेक पॉइंट मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं, चेक पॉइंट, वो चेक पॉइंट का नाम मैं आपको बताऊंगा अभी, सही है। ये जो आपको नज़र आया ना, ये देखो यहाँ ये जितने भी डॉट डॉट आपको बड़े बड़े डॉट नज़र आ रहे हैं, ये चेक पॉइंट है, सही है ना, ये चेक पॉइंट है। इस चेक पॉइंट का नाम क्या है, इस चेक पॉइंट का नाम है लिम्फ नोड्स, क्या नाम है, लिम्फ नोड। इसका फंक्शन मैं आपको बताऊंगा कि चेक पॉइंट क्यों बने होते हैं,
ये छोटा सा स्प्लीन है ये भी इसके अंदर काम कर रहा होता है, ये अपेंडिक्स है ये भी काम कर रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पेच है ये भी काम कर रहा होता है, थोरेसिक डक है ये तो खैर आपको पता है। अच्छा अब देखिए मैं आपको ये समझा रहा था, ये लोअर पार्ट से दोनों लोअर हमारे पास राइट लिम्ब और लेफ्ट लिम्ब से, इससे पूरे का पूरा जितना भी लिम्फ जाता है और हमारे राइट आर्म से जितना भी लिम्फ जा रहा है जहाँ से यहाँ से, ये सारा का सारा जो है ड्रेन होता है कहाँ पर, राइट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर। सही है, ये देखा राइट लिम्फेटिक डक्ट जो कि इंट्रोरी वेन के अंदर, कौन सी वेन है भाई ये देखे मैंने आपको बताया था ये यहाँ से सुपीरियर वेना कहवा है, ये इन्फीरियर वेना कहवा है, और ये जाके ये जो है ना ब्लड ये राइट राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को छोड़ रही है। सही है, तो यहीं पर एक ओपनिंग होती है छोटी सी जहां पर जितना भी आपके पास इस पैर से इस हाथ से जितना भी लिम्फ आता है वो यहाँ पर आके इसके अंदर हमारे पास दोबारा चला जाता है हार्ट के अंदर। सही है, और बाकी जो हमारे लेफ्ट आर्म से जितना भी आपके पास लिम्फ आ रहा है ये आके 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 यहाँ पर ओपनिंग है हमारे पास थोरेसिक डक्ट है जो कि वेन के अंदर ओपन हो रही है वहां चला जाता है। सही है, तो ये हमारे पास दो आपको याद होने चाहिए, राइट साइड पे हमारे पास राइट लिम्फेटिक डक्ट है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास थोरेसिक डक्ट है जो कि ब्लड को ड्रेन वापस लेकर आके हार्ट के अंदर डाल रही है। सही है, अब मैं आपके पास एक और चीज बताने वाला था लिम्फ नोड, अच्छा यहाँ पर चले यहाँ पर देखें, ऑल बॉडी टिश्यूज आर बाथेड इन अ वाटरी फ्लूइड ड्राइव फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, दिस इंट्रासेलुलर और टिश्यू फ्लूइड इज फॉर्मड व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, द कैपिलरी वॉल्स आर परमिएबल टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट द आरबीसीज एंड ब्लड प्रोटीन्स, द फ्लूइड पासेस फ्रॉम द कैपिलरी टू द इंटरस्टीशियल स्पेसेस एज द इंट्रासेलुलर और टिश्यू फ्लूइड। अबाउट ये चीज ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपको समझाता हूँ अभी रुक जाए, अबाउट 85% ऑफ फ्लूइड रिटर्न इनटू द ब्लड एट द वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी, द रेस्ट 15% ऑफ द टिश्यू फ्लूइड ड्रेन्स इनटू ब्लाइंडली एंडिंग लिम्फेटिक कैपिलरीज एज लिम्फ अलोंग विद द WBCs सेल डेब्रिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लाइक बैक्टीरिया आर ट्रांसपोर्टेड बैक टू द हार्ट थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो हमने कहा सेल्स मौजूद होती है और इस सेल्स के दरमियान हमारे पास यहाँ पर फ्लूड मौजूद होता है जिसका नाम क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूड। सही है, या टिश्यू फ्लूड भी कहते हैं। अब ये बनता कैसे है, ये इस तरह बनता है कि हमारे पास जो कैपिलरी वॉल होती है ना, ये कैपिलरी वॉल ये परमिएबल होती है सारे ब्लड के कंपोनेंट के लिए आरबीसीज के अलावा, तो वो क्या होता है ब्लड प्रोटीन के अलावा, तो वो क्या होता है इस कैपिलरी से जो है ना ये मटेरियल यहाँ से बाहर निकल रहा होता है, परमिएबल आपके पास कैपिलरी से मटेरियल क्या होता है बाहर, तो वो यहाँ जमा हो जाता है। सही है ना, इस सेल के अराउंड, 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 तो उसको हम नाम देते हैं कौन सा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड का नाम देते हैं। सही है, और फिर हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो वापस कैपिलरी के अंदर चला जाता है ताकि वो वेन के जरिए वापस चला जाए, लेकिन सारा का सारा नहीं जाता, 85% फ्लूइड जो है ना वो रिटर्न हो जाता है, लेकिन 15% जो फ्लूइड होता है वो रिटर्न नहीं होता, वो वहीं पर रह जाता है, ये आपने याद रखना है 1%। सही है, और वो वहाँ पर जो लिम्फ है उसके अंदर क्या क्या होता है हमारे पास, WBCs होती है, सेल का कचरा होता है सेल डेब्रिस, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया जैसा है, ये सारा का सारा लिम्फ के जरिए दोबारा कहाँ, ये देखो ये ब्लाइंडली एंडिंग होती है। सही ना, लिम्फेटिक जो मैंने आपको 2-3 मरतबा बताई ब्लाइंडिंग एंडिंग होती है, तो वो दोबारा क्या करता है हार्ट के अंदर आके उसको डाल देता है। सही है, थस लिम्फ का डिफाइन ये मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ, कलरलेस होता है, बॉडी फ्लूड होता है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्मॉल प्रोटीन होता है ये सारा, और लिम्फ क्या करते हैं ये सारे सब्सटेंसेस को जो कि ब्लड के ब्लड इसके अंदर नहीं जाता उसको दोबारा लेकर आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो लिम्फ है ये एज अ मीडियम काम कर रहा है सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने का ब्लड और बॉडी सेल्स के दरमियान। सही है, अच्छा अब हम बात करने वाले लिम्फ नोड के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिम्फ नोड के बारे में। सही है, अब देखिए यहाँ पर लिम्फ नोड के बारे में, ये जो आपके पास नजर आया ना ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली आपके पास लिम्फ नोड है। सही है, लिम्फ नोड बड़ा सा बना हुआ, ये छोटे छोटे मैंने आपको दिखाया था, ये सारे लिम्फ नोड है। अब अगर आप इस लिम्फ नोड को गौर से देखें, हाँ यूसरा टेंशन नहीं ले, अगर आपका अभी समझना तो देख ले जितना बाकी है, बाकी मैं वीडियो जो है ना आज अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर पर। सही है, अच्छा यहाँ पर देखें ये लिम्फ नोड है आपके पास, लिम्फ नोड के अंदर यहाँ से जो है ना ब्लड अंदर जा रहा है, ये देखें यहाँ से भी ब्लड अंदर जा रहा है। सही है, समझ ले ये हमारे पास एक लिम्फ नोड था, बीच में चेक पॉइंट था, ये कैपिलरी नीचे से जा रही थी इसके अंदर चली जाएगा फिर वापस चला जाएगा, तो इसी तरह ये जो ब्लड यहाँ से जा रहा था ना ये इस हर चेक पॉइंट के अंदर से पास होता हुआ फिर आगे जाता है। सही है, तो ये ब्लड यहाँ से अंदर जाते हैं, ये हमारे पास लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर जो कि किडनी की तरह आपको नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होती है,
इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट चीजें हमारे पास मौजूद होती है, एक होती है लिम्फोसाइट्स और एक होती है मैक्रोफेजेस। अब आपको अगर याद हो तो मैक्रोफेजेस हमने बात की थी कि ये फेगोसाइटोसिस करती है, क्या करती है, फेगोसाइटोसिस, यानी कि सब्सटेंस को पकड़ कर उसको खा जाती है, सही है ना, कोई भी फॉरेन मटेरियल, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, या कोई भी मटेरियल हो जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो, तो ये मैक्रोफेज क्या करती है, उसको पकड़कर उसको ख़त्म कर देती है। और लिम्फोसाइट क्या करती है भाई, लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है, सही है ना, मतलब उस सब्सटेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है जो कि उस सब्सटेंस को किल कर देती है। तो अब आप याद रखें, हमने बात की थी कि भाई जो लिम्फेटिक वेसल होता है जिसके अंदर लिम्फ फ्लूड आ रहा है, लिम्फ आ रहा है, उसके अंदर सेल का कचरा भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बैक्टीरिया, सारी चीज़ें होती हैं। तो यूँ समझ लें कि यहाँ से जो आपके पास लिम्फ अंदर जा रहा है उसके अंदर सारा का सारा कचरा भरा हुआ है, उसके अंदर सेल डेब्रिस भी है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, सही है, बैक्टीरिया वगैरह सब चीज़ें। अब जब अंदर आया, अब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, सही है, इसने देख लिया भाई मैक्रोफेज ने, वो क्या करेगा, इन सबको किल कर देगा, और कुछ कुछ ने, कुछ को लिम्फोसाइट ने किल कर दिया। तो अब यहाँ से जो ब्लड वापस जाएगा ना, वो ब्लड क्या होगा, प्योर ब्लड होगा। यहाँ से जो ब्लड वापस चला गया ना, वो कौन सा होगा, साफ ब्लड होगा, क्योंकि वो जितना भी कचरा था वो तो यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये जो ब्लड वापस जा रहा है ये कौन सा ब्लड है भाई, साफ ब्लड है। तो ये हमारे पास लिम्फ नोड का काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिम्फ नोड का, और वो क्या है भाई, सेल के जो ब्लड का जो मटेरियल होता है जो कि खराब होता है उसको साफ करने का काम होता है, सही है। तो ये देखें, लिम्फ नोड्स वेरी कंसिडरेबली इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू 1 इंच होती है हर के अंदर एक। ये हमारे पास 3 फिब्रस आउटर कैप्सूल होता है, हमारे पास अगर यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखो तो इसके ऊपर एक आउटर कैप्सूल लगा होता है, सही है, तो इसी की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास लिम्फोइड टिश्यूज मौजूद होते हैं। पेनेट्रेटिंग द कैप्सूल आर सेवरी स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स विच कैरी लिम्फ इन टू द लिम्फ नोड। यही बात हमने की कि इसके अंदर पेनेट्रेट कर रही है कुछ लिम्फ वेसल जो कि ब्लड को अंदर लेके जा रही है, और वाइल अ सिंगल लार्ज वेसल कैरी इट आउट, और फिर उस एक हमारे पास बड़ी होती है जो कि यहाँ से बाहर निकाल रही है यहाँ से, सही है, ये पूरा का पूरा। अच्छा, लिम्फोइड टिश्यू के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है, जो लिम्फोसाइड्स होती है, मैक्रोफेजेस होती है, सही है, ये सारा क्या करते हैं, उनको किल करने का काम करता है। दीज नोड्स एक्ट एज अ फिल्टर, ये बेसिकली फिल्टर का काम करती है, जो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ती है और जितने भी फॉरेन बॉडीज मटेरियल होते हैं उनको पकड़ लेती है लिम्फ से। लिम्फोसाइड्स एंड मैक्रोफेजेस यहाँ पर जो मौजूद होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं, लिम्फोसाइड न्यूट्रलाइज का काम करती है और मैक्रोफेजेस इनगल्फिंग का काम करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सही है ना, उनको पकड़ कर खा जाती है, सही है। तो ये लिम्फ नोड का काम है जिसके अंदर मैंने आपको वहाँ पर पहले समझा दिया, वो लिखी हुई है, फंक्शन लिखे हुए लिम्फेटिक सिस्टम के, बहुत आसान आसान है। ये जो हमने 3 सिस्टम पढ़े, एक तो ड्रेनेज का काम किया, हमने कहा कि जितना भी आपके पास लिम्फेटिक वेसल ड्रेन चैनल्स फॉर वाटर एंड लिम्फिक प्रोटीन डेट हैव लीक्ड अवे फ्रॉम ब्लड एट कैपिलरी बेड एंड डेट मस्ट बी डिलीवर बैक टू सर्कुलेशन, अगर ये नहीं होगा तो 24 आवर में डेट हो जाएगी। जो अभी मैंने बताया ना कि 85% वापस आ जाता है लेकिन 15% वापस रह जाता है, सही है, अगर ये 15% 24 आवर में नहीं आया तो बंदा मर जाएगा, सही है। तो ये क्या करता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम इस 15% को वापस लेके आने का काम करता है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम का काम करता है। इसके अलावा डिफेंस ऑफ द बॉडी, ये जो अभी मैंने बताया ना लिम्फ नोड का फंक्शन, ये क्या कर रहा है भाई, बैक्टीरिया से हमको बचा रहा है, हमारे ब्लड को बैक्टीरिया से पाक कर रहा है, तो यही काम है, सही है ना, ये हमारे पास डिफेंस ऑफ द बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन सेल, सेलुलर डेब्रिस इन द लिम्फ, जिसको रिमूव किया जाता है लिम्फ नोड के अंदर, इसलिए ये क्या काम करता है, डिफेंस ऑफ द बॉडी। दीज आर ऑल्सो द साइट फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल इनटू एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स, वो मैं आपको इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको मैं बी सेल्स के बारे में बता दूंगा, सही है। बेसिकली एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और एक हमारे पास मेमोरी सेल्स होते हैं। अच्छा, थर्ड फंक्शन हमारे पास है एब्जॉर्प्शन एंड डिलीवरी फैट्स। अच्छा देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अभी हमने बात की ना इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी थोड़ी सी हमारे पास जगह होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास इस तरह के जो छोटे छोटे आपके पास पेज नंबर निकालो, मैं आप लोग को जल्दी से पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर निकालो जल्दी जल्दी डायग्राम में मैं आपको बता दूँ, चैप्टर नंबर ट्वेल्व में पेज नंबर खोलो 298, जल्दी से पेज नंबर 298 के अंदर ये बना हुआ है, सही है। तो आप अगर देखो ना तो वहाँ पर ये जो बने हुए ना, ये आपके पास वेलस है, क्या है, वेलस या विलाई लिख देता हूँ मैं, दो, एक ये वाला एक ये वाला है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करता है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जितना भी आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मटेरियल होता है ना वो यहाँ पर आकर एब्जॉर्ब होता है, सही है ना, इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है और इसके नीचे आपके पास कैपिलरीज आती है, कैपिलरीज वो इस कैपिलरीज के अंदर आती है और कैपिलरीज उसको लेके जाके ब्लड मतलब ब्लड के अंदर चले जाती है, सही है, कैपिलरी के अंदर ब्लड होता है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर
लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है जो कि यहाँ पर आ रही होती है, यहाँ पर लिम्फ के वेसल आ रही होती है, यहाँ पर लिम्फ वेसल जाती है, यहाँ पर ये जो बनार नीचे वाली ये लिम्फ वेसल है, सही है। तो यहाँ पर लिम्फ वेसल भी आती है जगह जगह। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कैपिलरीज के अंदर जो चीज़ें जाती है ना, वो कौन सी जाती है, वो ग्लूकोज चला जाता है, प्रोटीन चली जाती है, ये सारी चीज़ें चली जाती है। लेकिन जो फैट होता है ना, फैट वो आपके पास ये जो कैपिलरी है ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो जो फैट होता है उसको कौन एब्जॉर्ब करते हैं भाई, ये लिम्फेटिक वेसल एब्जॉर्ब कर रही है जो कि यहाँ पर आती है, फिर उसको लेके जाके वहीं छोड़ देती है जहाँ पर हमने बात की है ना, गर्दन के पास वहीं छोड़ते हैं। तो ये देखो, ये एब्जॉर्प्शन का और डिलीवरी का काम करती है फैट को। जो लिम्फ कैपिलरीज होती है उसके अंदर उस लेक्टियल्स, ये जो यहाँ पर आई हुई है इसको हम लेक्टियल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेक्टियल्स, वो आपके पास विलाई के अंदर जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वहाँ पर फैट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और उसको फिर ब्लड के अंदर दोबारा डिलीवर कर देती है। सही है, समझ में आ गया होगा आई होप कि आपको। एक चीज़ हमारे पास है एडिमा बीमारी है हमारे पास। एडिमा हमारे पास बेसिकली ऐसी बीमारी है कि ये जो आपके पास लिम्फेटिक सॉरी जो आपके पास लिम्फ है ना, अगर ये वापस हम ड्रेनेज ना करें इसका, तो ये वहाँ पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये वो जो आपकी जगह है बॉडी के जो टिश्यू है या केविटी है वो फूल जाती है। तो उसको हम एडिमा कहते हैं, क्या कहते हैं, एडिमा। तो देखिए, जब भी वेन एवर टिश्यू फ्लूइड जो कि अगर जमा हो जाए रादर देन बींग ड्रेन इन टू द ब्लड, अब इसके बजाय कि हम उसको ड्रेन करें वापस लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए, अगर वो एक जगह पर जमा हो जाए तो जो टिश्यू और बॉडी केविटीज होती है ना, वो स्वेलन हो जाती है, फूल जाती है। सही है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। ये डेफिनेशन आ गई, पूरा का पूरा नोट का आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिम्फेटिक का भी और इसका भी। हर वो फैक्टर जो कि इंक्रीज करे टिश्यू फ्लूइड प्रेशर को और इतना हाई करे कि वो नॉर्मल से ज़्यादा हाई हो जाए, सही है ना। तो वो क्या करवा सकता है, वो कॉज करवा सकता है एडिमा। सही है, जैसे ब्लड प्रेशर है आपके पास, किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, ये कॉजेज ये भी लिखे हुए हैं। तब से मोस्ट कॉमन जो आपके पास एडिमा का कॉज है वो डायरेटरी प्रोटीन डिफिशियंसी है, कि आप प्रोटीन ना लो, सही से प्रोटीन ना लो। सही है, जब आप स्टार्व करेंगे, मतलब जब आपके पास गिजा कम होगी जिससे अमाइनो एसिड वगैरह है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, अपनी ही प्रोटीन को इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो टिश्यू का गिर जाता है। सही है ना, और अच्छा रिड्यूस, अच्छा ये क्या होता है, गिर जाता है, डिस रिड्यूस द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये आपके पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो टिश्यू का होता है वो उसको गिरा देता है, और इसकी वजह से जो टिश्यू फ्लूड होते हैं वहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी टिश्यूज के अंदर, इसके बजाय कि उसको हम क्या करें, ड्रेन बैक करें कैपिलरीज के अंदर, इसकी वजह से आपके पास क्या होता है, एडिमा होता है। तो आपको याद रखना कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसे बढ़ता है, जब आप अपनी प्रोटीन को इस्तेमाल करने लग जाए। सही है, अनदर कॉज क्या है एडिमा का भाई, कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन विच रिजल्ट इन मोर एंड मोर प्रोटीन कलेक्शन इन द लोकल टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लिम्फ जा रहा है और उसके अंदर एक जगह पर ब्लॉकेज आ गई, तो उसकी वजह से जो है ना वो चीज़ें नहीं जा पाएगी, तो उसकी वजह से भी आपके पास प्रोटीन वगैरह जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अच्छा, कॉमनस कॉज जो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का होता है फिलेरियसिस है। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ाया था, जिसमें सही से पढ़ा हुआ याद होगा, निमेटोसाइट, सॉरी निमेटोसाइट बोला, निमेट एलिमेंटिस के अंदर, कि वहाँ पर हमारे पास एस्करीज वगैरह जो होती है ना, वो एक डिजीज कॉज करती है एलिफेंटियासिस का, जिसके अंदर वो टांग बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, फिलेरियसिस। तो वही चीज़ है, सही है, ये इन्फेक्शन होता है जो कि निमाटोड्स की वजह से होता है। अच्छा, कुछ वक्त हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज, अगर आपके जलन वगैरह हो, बर्न्स वगैरह के, या एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, उसकी वजह से भी आपके पास एडिमा होता है। तो ये शॉर्ट नोट है, इसको याद कर लीजिएगा, जितना भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए वो समझ लें, और बाकी ये चीज़ें बीमारियाँ वगैरह होती है बाद में भी आप पढ़ेंगे। सही है, तो सिर्फ आपने एडिमा में याद रखना है कि बॉडी की कैविटी के अंदर फ्लूड का जमा हो जाना, जो कि वापस आना चाहिए वो नहीं आ पाता, जिसकी वजह से एडिमा कॉज हो जाता है। सही है, अलग अलग कॉजेज है। तो यहाँ पर ये लिम्फेटिक वेसल हमारे पास कंप्लीट होता है। अच्छा,